हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग ई प्लान सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू समझेंगे। मैं आप लोगों को कंप्लीट इसका ओवरव्यू समझाऊंगा। अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करते हो या फिर अगर आप लोगों ने हमारा ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो ये आप लोगों को काफी ईजी लगेगा। अगर आप लोगों ने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे काम नहीं किया हुआ है, फर्स्ट टाइम आप अगर ई प्लान सीख रहे हो सकता है थोड़ा सा ये आप लोगों को आपके लिए मतलब नया लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना ईजी हो सके उतना ईजी वे में मैं आप लोगों को समझाओ, ठीक है। अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड या फिर एक्सेल के ऊपर या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर काम किया है तो यहाँ पे जो ऊपर टैब बने हुए हैं और ये जो रिबन बार है ये आप लोगों को काफी सिमिलर सा लगेगा, क्योंकि ये ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल ई प्लान दोनों ही सॉफ्टवेयर में लगभग यहाँ पे सेम है, ठीक है। अगर आप लोग एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर को देखोगे, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल को देखोगे या फिर ई प्लान को देखोगे तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज हम लोगों को देखने को मिलती है, ओके। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो ये टैब बने हुए हैं, रिबन है या फिर क्विक एक्सेस टूल बार है, टैब है, कमांड है या फिर कमांड ग्रुप्स है, ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। और जो ई प्लान सॉफ्टवेयर का जो कंप्लीट ओवरव्यू है ना, इसको मैं 2-3 पार्ट में लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को काफी इजी तरीके से चीजें समझ में आ सके। सबसे ऊपर ये जो आपको ऊपर कुछ आइकन दिख रहे हैं इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करके एंड उसके बाद यहाँ पे फर्दर कमांड पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल्स हैं उनको आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, एडिट, व्यू, डिवाइसेस, ये जो ऊपर आपको ये दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनको बोला जाता है टैब, ठीक है। ये टैब्स हैं। फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फाइल से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे, होम पे क्लिक करोगे तो ये होम के ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट में जितने भी यहाँ पे कमांड ग्रुप हैं या फिर कमांड्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगी, एडिट, व्यू, डिवाइसेस, ये सेम वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि एमएस ऑफिस में एक्सेल हो गया या फिर पावर पॉइंट हो गया या फिर वर्ड हो गया, तो ये सेम उसी तरीके से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये टैब का हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं टैब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया होता है हमारा, ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया, इसको बोला जाता है रिबन का एरिया, ठीक है, इसको हम रिबन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो डिवाइसेस आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखो होम पे जाओगे तो होम पे ये क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर ये जो क्लिपबोर्ड है ये पूरा का पूरा कमांड ग्रुप है, ठीक है, और इसके अंदर जो यहाँ पे कट, कॉपी, डिलीट, पेस्ट जो है ये कमांड है, ठीक है, ये सारी कमांड है और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर की कमांड है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लिपबोर्ड जो है ये कमांड ग्रुप है और यहाँ पे कट, कॉपी, डिलीट ये इंडिविजुअल कमांड है। सेम इसी तरीके से पेज जो है ये कमांड ग्रुप है और इस कमांड ग्रुप के अंदर नेविगेटर हो गया, न्यू हो गया, नंबर हो गया, पेज मैक्रो हो गया, ये कमांड है, ठीक है। इसी तरीके से इंसर्ट पे आओगे तो सिंबल जो है ये कमांड ग्रुप है और इसके अंदर जितने भी यहाँ पे आपको टी नोड हो गया या फिर यहाँ पे एंगल डाउन ये लेफ्ट हो गया, ये जितने भी यहाँ पे वायर इंसर्ट्स के ये मतलब ये नोड्स जो है ये कमांड है, ठीक है। इसी तरीके से डिवाइसेस ये कमांड ग्रुप है और यहाँ पे ये सभी जो है ये कमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में आपको पता होगा जब भी हम लोग कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, कोई भी स्कीमेटिक डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं। अब टेम्पलेट का साइज क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आप लोग प्रिंट किस फॉर्मेट में निकालने वाले हो, A4 में, A3 में या फिर आप लोग किस सिंबल लाइब्रेरी के ऊपर काम करने वाले हो, आप लोग NFPA के ऊपर काम करने वाले हो या फिर आप लोग IEC के ऊपर काम करने वाले हो, ठीक है, या फिर जो अदर सिंबल्स लाइब्रेरी है उनके ऊपर काम करने वाले हो, तो ये चीज उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ई प्लान में ये रिबन का एरिया समझ लिया कि भाई ये जो हमारा पूरा का पूरा रिबन का एरिया होता है इसके अंदर क्विक एक्सेस टूल बार भी होता है, यहाँ पे ऊपर होता है ये, एंड टैब होती है, कमांड होता है और कमांड ग्रुप होता है, बाकी होम हो गया, इंसर्ट हो गया, मतलब कि जो हर एक टैब को और उस हर एक टैब के अंदर के कमांड ग्रुप को और उसके अंदर की कमांड को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ई प्लान को कैसे हम लोग सीख सकते हैं, ई प्लान की हेल्प से
कैसे हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। ई प्लान के ऊपर काफी सारी आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो अब ई प्लान के ऊपर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस आते रहेंगे। और ई प्लान के ऊपर कितना जल्दी आप लोगों को वीडियो चाहिए वो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।